दोस्तों, मैं आज आपको SBI जनरल इंश्योरेंस टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का बताऊंगा। जो टू व्हीलर पोर्टल है वो शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे कि पहले वाले ओल्ड पोर्टल पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, RTO सिलेक्ट करने में OTP जा रहा था या मॉडल वेरिएंट सेलेक्ट करने में, कम्युनिकेशन एड्रेस में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो रिजॉल्व कर दी गई हैं। नए पोर्टल पे आपको ये दिक्कतें नहीं आएगी। इंश्योरेंस पे मैंने क्लिक किया। कॉम्प्रिहेंसिव क्लिक हियर। लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। यहाँ पे आपका थर्ड पार्टी है टू व्हीलर, राइट हैंड साइड पे कॉम्प्रिहेंसिव है फर्स्ट पार्टी। तो अभी किसी एक पे क्लिक कर देते हैं, अंदर दोनों ऑप्शन आएगा नए पोर्टल पे जब ये जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये नए पोर्टल पे आ गया है इंश्योरेंस थर्ड पार्टी टू व्हीलर का और ये कॉम्प्रिहेंसिव। पहले हम TP को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप पॉलिसी में डिटेल फिल करते हो ना, लाइक नाम हो गया, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर, उसको आप थोड़ा करेक्ट, बिल्कुल सही फिल करना है। ठीक है जी। देखिए, टेकिंग टू व्हीलर पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल मतलब हमारे नाम पे, किसी पर्सन के नाम पे, कॉर्पोरेट मतलब RC किसी कंपनी के नाम पे। ठीक है, टेल अस अबाउट योर पॉलिसी डिटेल्स। मतलब यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, रोल ओवर एंड लैप्स पॉलिसी। रोल ओवर का मतलब है जो प्रीवियस पॉलिसी आपका अभी आपके पास उसका डिटेल है, वो चाहे HDFC से हो, चाहे वो ICICI से हो, बजाज, रिलायंस, किसी भी कंपनी से हो, ठीक है, और वो अभी चल रहा है, लैप्स नहीं हुआ, मतलब उसका अभी कंटिन्यू एंड डेट नहीं हुआ उसका, तो आप रोल ओवर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर वो लैप्स हो गया है तो आपने लैप्स मतलब उसकी एंड डेट जा चुकी है। अब यहाँ पे हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं, सीरीज का, ये कौन सी कंपनी का है आपको वो सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू, उसके बाद कंटिन्यू करना है हमने। नेक्स्ट पेज है इसका, रजिस्ट्रेशन डेट डालना है हमें। रजिस्ट्रेशन डेट आपको देखिए RC पे ही मिलेगा। सिटी, सिटी में आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ये पहले आपको दिक्कत आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होता था फिर वो RTO दिखाता था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं जींद लिखता हूं तो जींद आ जाएगा, मतलब ऐसे आप इसको सर्च कर सकते हैं तो नीचे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, अगर आप कुछ एडिट करना है राइट साइड में, आप एडिट पे क्लिक करके उसका मॉडल वगैरह कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ देखिए आपके पास क्या है, ये प्रीमियम है 752 आपका थर्ड पार्टी का है, PA 375 इंक्लूड है। ब्रेकअप पे क्लिक करोगे आपको विद GST दिखा देगा क्या ब्रेकअप है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, जो PA फॉर ऑनर ड्राइवर है, या नीचे हम कह दें ये एड ऑन्स कवर होते हैं, जो हमें अगर लेना हो
जैसे ही मैं पीए को यहां से हटाऊंगा तो यहां पे एक मैसेज आएगा, दिस कवर इज मैंडेटरी बाय आईआरडीए, इट इज कंपलसरी फॉर ओनर ड्राइवर टू पोजेस ए पीए कवर फॉर मिनिमम 15 लाख एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशन, बाय नॉट चूजिंग दिस कवर यू कंफर्म दैट यू होल्ड एन एग्जिस्टिंग पीए कवर, या तो आपके पास किसी दूसरी पॉलिसी में है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये आपने कस्टमर को भी बताना है। आप पीए फॉर अननेम पैसेंजर भी ले सकते हो, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट, अगर आप इस पे क्लिक करते हो रिकैलकुलेट करोगे तो ये पॉलिसी देखिए 828 का हो गया, लेकिन इसमें जो आपका थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट है वो आपका 6000 हो जाता है। तो मैं अभी आपको सिर्फ डेमो के तौर पे कंटिन्यू, यहाँ पे आपको 5 डिजिट डालने हैं वेरीफाई, आई या वी होल्ड ए वैलिड एंड इफेक्टिव पीयूसी, ये आपके पास एक सर्कुलर भी आया होगा या आपने देखा भी होगा कि भी आजकल पोल्यूशन जो है 6 मंथ का होता है, वैसे ये वो जरूरी रिक्वायर्ड कर दिया गया है। जैसे ही हम इसको नो करते हैं तो ये आपको आगे जाने नहीं देगा, तो मेक श्योर इसको होना चाहिए। कंटिन्यू, अगर आपने लोन लिया है तो आरसी पे लिखा होता है हाइपोथेटिकेशन लीज, आप यस करेंगे, बैंक का नाम या बैंक ब्रांच जो भी कंपनी आप लिख देंगे, नहीं है यहाँ पे आपका सिंगल नेम भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि सिंगल नेम में श्री लगाना पड़ेगा या कुछ, आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, उनका ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी, एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, पैन कार्ड रिक्वायर नहीं है, हमने पीए कवर लिया है तो नॉमिनी का नाम भी डालना पड़ेगा, इनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए आप, रिलेशन देख लीजिए, नेक्स्ट, ये आपका फाइनल पेज आ गया। अब जैसे ही मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा, पहले तो क्या होता था पे नाउ पे क्लिक करते थे आप ओटीपी जाता था, यहाँ ओटीपी नहीं जाएगा, सीधा मेक पेमेंट पे ले जाएगा आपको, ये देखिए इसमें अगर बैलेंस नहीं हुआ तो इनसफिशियंट देगा, नहीं आपको ये वैलेट तक ले जाएगा, ये देखिए ओटीपी नहीं गया, आपको सिर्फ अपना ये करना है और हो जाएगा। स्क्रीन पे ही पॉलिसी नंबर या आपका डाउनलोड सॉरी पॉलिसी कॉपी डाउनलोड ऑप्शन आएगा, वहां से हो जाएगा, अगर इन केस नहीं होता है तो वहां पे एक पॉलिसी नंबर आएगा पीओ करके, पीओ पीएम, तो आप उसको कॉपी कर लेना, और आपने क्लिक किया लॉगिन विद डिजिटल सेवा, आपने यहाँ डाउनलोड पॉलिसी पीडीएफ, आपने यहाँ पे वो पॉलिसी डालना है नंबर और डाउनलोड पॉलिसी कॉपी, आपके पास वो अभी डाउनलोड हो जाएगी इंस्टेंटली, आप उसका सेकेंड और थर्ड पेज प्रिंट करके दे सकते हैं, वो 11 पेज की पॉलिसी होगी जो यहाँ से डाउनलोड करोगे आप, ठीक है जी। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्टी पे, ये देखिए गाड़ी का भी है ऊपर, फोर व्हीलर का भी सेम है, तो अभी हम टू व्हीलर फर्स्ट पार्टी पे चलते हैं, फर्स्ट पेज सेम आएगा आपका, इंडिविजुअल है कॉर्पोरेट है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने थर्ड पार्टी पे लैप्स पे क्लिक किया था तो नीचे ऑप्शन कुछ नहीं आया था, डायरेक्टली हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया था। अब ध्यान रखना है अगर पॉलिसी लैप्स होगी, मतलब कोई पॉलिसी है जिसका अगस्त में एंड डेट था, कोई 1 अगस्त को वो खत्म हो गई, तो अब इसने पूछा है भाई उसको 90 डेज
हो गए हैं, सॉरी अभी बिफोर 90 डेज से पहले है, ओवर 90 डेज मतलब उस पॉलिसी की एंड डेट से 90 दिन हो गए हैं, क्योंकि अगर 90 दिन हो गए तो एनसीबी जीरो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर लैप्स नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू में है, तो आपने रोल ओवर सिलेक्ट कर लेना है। अभी एक इसका अभी डेमो ले लेते हैं हम, CR01। एक चीज का ध्यान रखना, अगर 90 डेज हो गए हैं पॉलिसी एंड डेट से, तो आपने जो एनसीबी है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, ध्यान रखना, या वो क्लेम ले ले पर्सन, तो आपका वो जीरो हो जाएगा। हैव यू मेड क्लेम? नहीं जी, हमने नहीं लिया है। अगर आप वो कहते हो यस, तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो नो। अब देखिए, सिलेक्ट एनसीबी मेंशन ऑन लास्ट पॉलिसी, जितना एनसीबी पिछली पॉलिसी पे है और वो पॉलिसी कंटिन्यू है, उसको एक्सपायरी से भी 90 दिन नहीं हुए, तो आप उसको सेम एनसीबी दे सकते हो जितना उस पे। मान लीजिए प्रीवियस पॉलिसी भी कंटिन्यू है, उस पे 20 है, तो मैंने 20 किया, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और ये मेरा प्रीमियम आ गया है। हम वैल्यू को भी आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, रिकैलकुलेट करेंगे। यहाँ 1530 था, 1536 हो गया। ये बाकी एड ऑन्स कवर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, पे ड्राइवर की लीगल लाइबिलिटी लेनी है नहीं लेनी है, अननेम पैसेंजर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना है नहीं लेना है, आप उसको क्लिक करके दोबारा रिकैलकुलेट कर सकते हो। अब ये देखिए, अब इसमें ये आपसे प्रीवियस पॉलिसी डिटेल भी मांगेगा। स्टार्ट डेट अगस्त का कर लेते हैं, हम भी अगस्त में था हमारा, सॉरी। अभी कंटिन्यूली है ना हमने, ठीक है, तो अगर 3 का है तो अभी टाइम है ना उसमें, तो इसलिए ये सेकंड आ गया, नहीं तो हमें लैप्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता। भी वो पैकेज पॉलिसी मतलब फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है आपका, जो प्रीवियस पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज एक ही नाम है, किस कंपनी से है आपने वो कंपनी सिलेक्ट कर लेना है, एड्रेस कहाँ का है वो एड्रेस डाल देना है, हर पॉलिसी पे होता है उसका एक पॉलिसी नंबर होता है, ये PUC आपका पॉल्यूशन वाला आ गया जैसे थर्ड पार्टी में आया था। लोन पे नहीं है तो आप इसको नो ही रहने दीजिए, ये आपको सारा डिटेल एज पर RC आप फिल करिए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आप कुछ भी बाइक नंबर या कुछ भी डालते हो ना, तो एज पर RC डाले करो आप। कई बार क्या होता है, पिछली पॉलिसी में अगर कुछ गलत है तो वो गलत ही चलता रहेगा हमारे पास भी, तो RC से जरूर एक बार मैच किया करो। ये देखिए, ये आपके पास लास्ट पेज आ गया है, इसमें भी आप मेक पेमेंट करेंगे वो वैलेट पे ले जाएगा। आशा करते हैं आपको ये नया पोर्टल पसंद आएगा। अब इसमें जो प्रीवियस ओल्ड पोर्टल के इश्यू थे टू व्हीलर के, वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं। फिर भी किसी VLE भाई को या कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, तो आप अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए मैसेज या कॉल कर देना। धन्यवाद।